बाल श्रम उन्मूलन समिति एवं बाल श्रम टास्क फोर्स समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नया सवेरा योजना के अंतर्गत चिन्हित कामकाजी किशोर बाल श्रमिकों के शैक्षिक व आर्थिक पुनर्वास के संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इन बच्चों और किशोरों का 100% नामांकन कर इनका शैक्षिक पुनर्वास तथा इनके परिवारों को सरकार की लाभकारी योजनाओं से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराते हुए आर्थिक पुनर्वास करके इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। साथ ही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संचालन पर चर्चा की गई। बाल श्रमिक विद्या योजना की प्रगति, पेंसिल पोर्टल, शारदा कार्यक्रम पर विचार विमर्श करते हुए अधिक से अधिक श्रमिक परिवारों का रजिस्ट्रेशन कराने तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ई श्रम कार्ड बनवाकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उप श्रम आयुक्त अमित कुमार मिश्र, सहायक श्रम आयुक्त कृष्णकांत यादव, स्कंद कुमार मिश्रा, तकनीकी सलाहकार नया सवेरा सितारा सिद्दीकी, CWC चाइल्डलाइन, महिला कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी, डूडा एवं अन्य गैर सरकारी संस्था व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप लोगों में से कोई किसी ने चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम समझा है, कोई स्टडी समझी है, कोई रिपोर्ट किताब पढ़ी है? नहीं भाई, हमारे देश वाले को एक नोबेल प्राइज मिला है, हाँ, कला सरकार की कला सरकार को मिला, उसके राइटिंग तो पढ़ी होगी, कारण क्या है? अभी आप मेरे साथ चावल भी करिए, बच्चा काम करते मिले, आप लेबर ऑफिसर क्या करें, ये आपका प्रोसेस है सर, मुझे तो बच्चे को रेस्टू करते हैं।